हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, हमारे डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ पर अम्लों का यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर क्षार का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ वस्तु बताए थे, कुछ थिंग्स बताए थे, जिसमें जैसे कि मैंने आपको इमली का एग्जाम्पल दिया था कि उसमें टार्टरिक अम्ल है, सेब का एग्जाम्पल दिया था उसमें मैलिक अम्ल है, सिरका का एग्जाम्पल दिया था उसमें एसिटिक अम्ल है, और टमाटर का एग्जाम्पल दिया था ऑक्सैलिक अम्ल है। ऐसे ही मैंने आपको ये भी बताया था कि चूना, चूना में कौन सा क्षार है, तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंटासिड जिसे हम प्रति अम्ल कहते हैं उसमें कौन सा क्षार है, तो उसमें प्रेजेंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जिसमें जिसमें क्या प्रेजेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड, और धोने का सोडा जिसमें है सोडियम कार्बोनेट। इस तरह से हम लोगों ने ये देखा था कि अम्ल कहाँ हम अपनी डेली लाइफ में देख पाते हैं और क्षार हम कहाँ अपनी डेली लाइफ में देख पाते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में तीखे, अम्ल क्या करते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, और क्षार क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने अम्ल क्षार के सारे वो देखे थे कि उसमें क्या क्या डिफरेंस है, कि आप अम्ल में क्षार बना डालोगे तो वो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, क्षार में अम्ल डालोगे तो उदासीन हो जाएगा। तभी आप हमेशा देखिए, कभी भी आपको चींटी काटती है, चींटी काटती है तो हमें ये बोला जाता है कि आप उस प्लेस पे सोप लगाइए, आप उस प्लेस पे साबुन लगाइए। ऐसा क्यों बोलते हैं, चींटी के काटने से फॉर्मिक अम्ल का सिक्रेशन होता है, वो हमारे अंदर फॉर्मिक अम्ल का स्त्रावण करती है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का स्त्रावण करती है। ठीक है, इस पे आप इसमें क्या डाल दोगे, सोप लगा दोगे। ठीक है, सोप क्या है, एक काइंड ऑफ बेस है, एक काइंड ऑफ क्षार है, इसकी वजह से वो क्या करता है, उसको उदासीन कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। इसलिए अक्सर जब भी हमें चींटी काटती है तो हमें बोला जाता है कि आप वहां पे सोप अप्लाई कीजिए। क्लियर, इस तरह से हमने देखा था कि अम्ल क्षार क्या क्या है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ जो हम लोग केमिकली यूज करते हैं रासायनिक रूप से, ठीक है, उसको मैं आपको कुछ अम्ल के एग्जाम्पल देती हूँ। अम्ल है HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4, CH3COOH जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ये क्या है, H2CO3 विच इज नोन एज कार्बोनिक अम्ल। क्लियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। और मैं आपको कुछ क्षार के एग्जांपल्स देती हूँ, क्षार, ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, ऐसे ही हम कुछ क्षार के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ये हम देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, ये आप लोगों को दिख रहा है कि अम्ल की मैंने कुछ टाइप्स बताए हैं और मैंने क्षार के कुछ प्रकार बताए हैं। ठीक है, जैसे हम बहुत सारे चीजों के और अलग अलग प्रकार में बांटते हैं, वैसे ही अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एक होता है दुर्बल अम्ल जिसे हम कहते हैं वीक एसिड। क्लियर, उसी तरह से क्षार को भी बांटा जाता है कि कुछ होते हैं जो प्रबल क्षार होते हैं जिसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और कुछ होते हैं दुर्बल क्षार जिसे हम कहते हैं वीक बेस। क्लियर, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या है, आइए देखते हैं कि ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, और किस आधार पे इनको हम बाइफर्केट करते हैं, किस आधार पे हम इसे बांटते हैं, ये भी तो हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आप ये जो अम्ल का ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें से डेफिनेटली कुछ प्रबल अम्ल है, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कुछ क्या है, दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। जो आप क्षार के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं इसमें कुछ प्रबल क्षार है,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है और कुछ दुर्बल क्षार है, वीक बेस है। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो चलो देखते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा प्रबल क्षार है। क्लियर? चलिए तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये लिखते हैं अपन प्रबल अम्ल। चलिए प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। फिर क्या है? प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? नाउ और क्या देख रहे हैं यहां पर? दुर्बल अम्ल, जिसे हम कहेंगे वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है। और क्या होता है? दुर्बल क्षार, जिसे हम कहेंगे वीक वीक बेस। क्लियर? चलिए देखते हैं कि प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, दुर्बल क्षार क्या है, ठीक है। ये हम डिसाइड करते हैं जब ये हम लोग सॉल्यूशन लेंगे इसका, चाहे प्रबल किसी अम्ल का, किसी क्षार का, किसी दुर्बल क्षार का, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि वो जो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है उसके अति तनु विलयन में, ठीक है, उसका जो लिक्विड सॉल्यूशन है, उसके लिक्विड सॉल्यूशन में कोई भी जो हम लोग बेस एसिड या बेस लेते हैं उसके अति तनु विलयन में आयनन की जो मात्रा है, आयनन मतलब कि सपोज आपके पास HCl है, ठीक है, HCl दो भाग में आयनित हो जाता है, H प्लस और Cl माइनस, तो ये क्या होता है? आयनाइजेशन, इसे ही हम क्या कहते हैं? आयनन, ठीक है। तो क्या होता है? अति तनु विलयन में आयनन प्रबल अम्ल में क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल में प्रबल अम्ल के अति तनु विलयन में आयनन की जो मात्रा है वो तीव्र हो जाती है और वो H प्लस आयन अधिक मात्रा में देते हैं, ठीक है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे अपन? प्रबल अम्ल वो अम्ल है जिनके अति तनु विलयन में आयनन की मात्रा तीव्र हो जाती है और अधिक मात्रा में वो H प्लस देते हैं। क्या करते हैं वो? H प्लस अधिक मात्रा में देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहां पे मैं उदाहरण लिख देती हूं। इसके उदाहरण है HCl। HCl का आप एक्वस सॉल्यूशन देखेंगे, जलीय विलयन, तो वो H प्लस और Cl माइनस में बाइफरकेट हो जाएगा। HNO3 अगर हम देखते हैं तो H प्लस और NO3 माइनस में वो बाइफरकेट होगा। उसी तरह H2SO4, तो ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस में ये आयनित हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे? प्रबल क्षार क्या होते हैं? प्रबल क्षार वो होते हैं जिनके अति तनु विलयन में आयनन की मात्रा, यहां पे मैं लिख देती हूं आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा या फिर आयनन का जो रेट बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है प्रबल क्षार में? तीव्र होता है, ठीक है। इसमें भी आयनन की मात्रा तीव्र होता है, तो ये क्या देंगे? H प्लस देंगे, OH माइनस देंगे, OH माइनस, OH माइनस अधिक मात्रा में देंगे। क्लियर? इसके एग्जांपल हम देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ये सब किस सीरीज में आएंगे? प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। दुर्बल अम्ल वो अम्ल हैं जिसके अति तनु विलयन में आयनन की मात्रा धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। और ये क्या करते हैं? H प्लस। जब प्रबल अम्ल है वो अधिक मात्रा में H प्लस दे रहे हैं, तो जो दुर्बल अम्ल है वो H प्लस कम मात्रा में देते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसके एग्जाम्पल है CH3COH H2CO3। क्लियर। नाउ अब हम देखते हैं कि दुर्बल क्षार क्या होते हैं। दुर्बल क्षार वो क्षार होते हैं जिसके अति तनु विलयन में आयनन की मात्रा धीमी पड़ जाती है और ये OH माइनस आयन कम मात्रा में देते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल है तो कम मात्रा में देंगे, प्रबल है तो वो अधिक मात्रा में देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? ये सब है दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल में ज्योति तनु विलयन में आयनन की मात्रा तीव्र हो जाती है, ये अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। प्रबल क्षार उसमें भी आयनन की मात्रा तीव्र हो जाती है और ये अधिक मात्रा में OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन अधिक देते हैं। दुर्बल अम्ल आयनन की मात्रा धीमी, H प्लस कम मात्रा में देंगे। ठीक है, दुर्बल क्षार आयनन की मात्रा धीमी होगी और ये कम मात्रा में ही OH माइनस देंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि क्या प्रबल अम्ल है, क्या प्रबल क्षार है, क्या दुर्बल अम्ल है और क्या दुर्बल क्षार है। क्लियर। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। ठीक है, इसके बाद हम किस बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि अम्ल जो है लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है क्षार। ठीक है, तो लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर क्या है? ठीक है, तो लिटमस पेपर ऐसा एक चीज है जो हमको ये बताता है कि क्या अम्ल है और क्या क्षार है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको अगर वर्ड दें तो हम इसे कहते हैं सूचक। सूचक मतलब जो इंडिकेट करते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर। तो हम क्या समझने जा रहे हैं? हम समझने जा रहे हैं कि सूचक या इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, और हम इसका एग्जांपल देखते हैं, हमेशा अक्सर सुनते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? ये एक रंजकों का मिश्रण है। ठीक है, रंजकों का मिश्रण है जो कि हमें मिलता है लाइकेन से। ठीक है, तो बेसिकली इंडिकेटर्स या सूचक क्या होते हैं? इंडिकेटर्स या सूचक क्या वो होते हैं जो हमें किसी विलयन की प्रकृति बताते हैं। प्रकृति मतलब वही कि ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है, या सॉल्ट है या फिर कुछ भी। बेसिकली तो अम्ल और क्षार क्या है यही बताते हैं। ठीक है, तो सूचक क्या होते हैं? जो विलयन की प्रकृति बताते हैं। कैसे बताते हैं विलयन की प्रकृति? स्वयं के या तो अपने रंग का परिवर्तन करेंगे, रंग या गुणों में परिवर्तन कर देते हैं, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल ही देख लीजिए, हम क्या देख रहे हैं? लिटमस पेपर का ही एग्जांपल देखते हैं। तो लिटमस पेपर ही जब उसको एसिड में डालते हैं तो लाल लिटमस नीला हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर है जो हमें क्या बता रहा है? विलयन की प्रकृति बता रहा है कि वो अम्ल है या क्षार है। क्लियर, और कैसे बता रहा है? वो स्वयं के खुद के या तो कलर को चेंज कर देता है या तो फिर उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज होती है उसको चेंज कर देता है। क्लियर, ठीक है, तो ये है इंडिकेटर्स। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हमें नेचुरली
हमें मिलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं देती हूँ, पत्ता गोभी का जो रस है, ठीक है, वो गुड़हल का फूल, हल्दी, ये सब क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स है, ये प्राकृतिक सूचक है, ये आपको क्लियर कर देंगे कि क्या अम्ल है क्या क्षार है। इसके अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे कि जिसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, रासायनिक सूचक के कुछ एग्जांपल्स हैं मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज, ठीक है, और क्या होता है, फिनोल थेलिन। ये सब क्या है, कुछ सूचक हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है वो इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट की क्लास में हम ये देखेंगे कि ये जो सूचक हैं कैसे अपने रंग परिवर्तन करके हमें अम्ल क्या है और क्षार क्या है इसको बताते हैं। थैंक यू।